परिवार में फोट डालने में कामयाब रहे भूपेंद्र हुड्डा। दरअसल विनेश फोगाट की राजनीति एंट्री पर उनकी बहन बबीता अब भड़क चुकी है। देखिए, पहलवानी छोड़ सियासी दंगल में अब हाथ आजमाने अपनी किस्मत आजमाने वाली विनेश फोगाट की राजनीति एंट्री पर अब उनकी बहन है जो भड़क चुकी है। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान यहाँ दिया है भूपेंद्र हुड्डा। देखिए, अब परिवार के भीतर भी यहाँ पे काफी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं विनेश फोगाट की कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने पर। हाल ही में देखिए, विनेश फोगाट ने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ज्वाइन की है। पार्टी ने उन्हें जुलाना सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन विनेश के इस फैसले से उनका परिवार कुछ यहाँ पे नाखुश दिखाई दे रहा है। उनकी नाराजगी इस फैसले से उनके परिवार में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए, जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में उनकी बहन बबीता फोगाट का भी नाम शामिल हो चुका है। पहले उनका परिवार इसके खिलाफ था, नाखुश वो दिखाई दे रहे थे, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे, लेकिन अब इसी लिस्ट में उनकी बहन बबीता फोगाट भी शामिल हो गई है। अब उनका इस पे गुस्सा फूट रहा है और ऐसे में वो यहाँ पे भड़क चुकी है और उन्होंने यहाँ पे बयान भी दिया है भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। और देखिए, सियासत में आने वाली विनेश के फैसले पर नाखुशी जताते हुए बबीता फोगाट ने कहा, महावीर फोगाट विनेश के टीचर हैं, विनेश को गुरु की बात माननी चाहिए, वह हमेशा अच्छी राह दिखाते थे, लेकिन बहन विनेश फोगाट ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। अगर वह खेल जारी रखती तो 2028 के ओलंपिक में गोल्ड पक्का आता, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा फोगाट परिवार में वोट डालने में कामयाब रहे। जनता उनको सबक सिखाएगी, कांग्रेस का फूट डालो राज करो का ही एजेंडा रहा है, हमेशा कांग्रेस ने परिवार तोड़ने का काम ही किया है। देखिए, यहाँ पे जो विनेश फोगाट की जो बहन है बबीता फोगाट ने यहाँ पे एक बड़ा बयान यहाँ अपनी बहन को लेकर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उनकी बहन है बबीता, उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, अगर वो ये फैसला ना लेती और अपने गुरु की यहाँ पे बात मानती तो उस बात को अगर वो मानती तो 2028 के ओलंपिक में यहाँ पे उन्हें वो जरूर गोल्ड लेकर आती, लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मान के और जल्दबाजी में ये फैसला लेकर के काफी गलत यहाँ पे किया है। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी यहाँ पे ये बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यहाँ पे परिवार में वोट डालने का काम करती रही है। उनका परिवार में फूट डालो राज करो का ही एजेंडा रहा है शुरू से ही। परिवार में फूट डालो और राज करो, यही एजेंडा शुरू से कांग्रेस का यहाँ पे रहा है, ये कहना है बबीता फोगाट का। देखिए, जो महावीर फोगाट थे उनका ये कहना था कि महावीर फोगाट ने सोमवार को कहा था कि वह विनेश की राजनीति में आने के खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि उसको एक और ओलंपिक खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी सोच थी कि वो कि ओलंपिक की तैयारी करे और उसमें लड़े, एक ओलंपिक और लड़ना था, जो गोल्ड मेडल की उसकी जिद थी उसे पूरा करना था। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित नहीं था। देखिए, यहाँ पे जो महावीर फोगाट है उन्होंने भी यहाँ पे यही कहा, चूंकि उनके गुरु थे, कि अभी विनेश फोगाट को राजनीति सियासत में नहीं आना चाहिए था, राजनीति सियासत में अभी अपना किस्मत नहीं आजमानी चाहिए थी, क्योंकि अगर उन्हें जो गोल्ड मेडल की जो जिद उनके अंदर थी, अभी उन्हें और एक और ओलंपिक के लिए तैयारी करनी चाहिए थी और उसके लिए उन्हें लड़ना चाहिए था। महावीर फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों को जब राजनीति में आना चाहिए तब उनकी आस छूट जाए। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में उनको तब आना चाहिए जब उनकी आस छूट जाए, लेकिन यहाँ पे तो उनकी आस भी नहीं छूटी थी। जब उनकी आस छूट जाए तो विनेश एक ओलंपिक और लड़ सकती थी। उनका ये कहना था कि विनेश अभी भी एक और ओलंपिक लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ज्वाइन कर ली है, जो कि उनका जल्दबाजी में जो ये फैसला लिया गया है, एक बहुत ही गलत फैसला उनके द्वारा लिया गया है, जो कि बबीता फोगाट ने भी इस बात पे नाराजगी जताई है और वो इस बात पे भड़की है। और देखिए, यहाँ पे उनका कहना ये भी था कि ये आंदोलन किसी राजनीति से प्रेरित नहीं था, जो आंदोलन किया गया था ये किसी राजनीति से यहाँ पे प्रेरित नहीं था। बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने पिछले हफ्ते कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखिए, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट है, उन्होंने पिछले ही हफ्ते यहाँ पे
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इससे पहले विनेश और बजरंग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। विनेश फोगाट हरियाणा के जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वह चुनाव प्रचार में जुटी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, 19 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को यहाँ पे वोटिंग की जाएगी, नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। उसके लिए अभी विनेश फोगाट यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं और उसके प्रचार में यहाँ पे जुटी हुई है, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने से उनका पूरा परिवार यहाँ पे नाखुश दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बने रहिए द खटक के साथ। नमस्कार।